महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना के भुगतान की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान 31 जुलाई तक पीएम पिक बीमा योजना का भुगतान कर सकेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना के तहत ₹1 में फसल बीमा के भुगतान की अंतिम तारीख 15 जुलाई थी, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कई किसान फसल बीमा का भुगतान करने से वंचित हैं, जिसको देखते हुए राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने केंद्र सरकार से फसल बीमा के भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। धनंजय मुंडे के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी, यानी कि महाराष्ट्र के पात्र किसान पीएम पिक फसल बीमा योजना का भुगतान 31 जुलाई तक कर सकते हैं। पीएम पिक फसल बीमा योजना के भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मांग के अनुसार महाराष्ट्र के किसानों को प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना के तहत फसल बीमा का भुगतान करने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। शेष पात्र किसान 31 जुलाई तक फसल बीमा का भुगतान कर दें। माननीय शिवराज सिंह चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के केंद्रों पर काफ़ी भीड़ है। किसानों को फसल बीमा योजना के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने में समय लग रहा है। दूसरी तरफ सर्वर की गति भी धीमी होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब महाराष्ट्र के किसानों को इसके लिए 15 दिन का वक्त मिल गया है, जिसके बाद जो किसान अभी तक फसल बीमा योजना का भुगतान नहीं कर पाए हैं वो 31 जुलाई तक इसका भुगतान कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।